हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। भले ही प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होने का दावा करती हो, लेकिन इन दावों की पोल अक्सर खुल जाती है, क्योंकि जो सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है उसी प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिरकार कैसे और कहां, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में बड़ी घोटाले की तैयारी की बू आ रही है। दरअसल मामला गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित प्लॉट नंबर 591 पर अल्टरनेटिव प्लॉट देने का है। ये घोटाला सीए एचएसवीपी की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में रखा गया। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को सीए एचएसवीपी की अध्यक्षता में पंचकुला मुख्यालय में मीटिंग हुई। फिलहाल सोशल मीडिया में मामले के उजागर होने के बाद भ्रष्टाचार से संलिप्त इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, साथ ही फाइल और केस को पेंडिंग में रखा गया है। मीटिंग में अल्टरनेटिव प्लॉट देने के मामले रखे गए थे। पुख्ता सबूतों के अनुसार अल्टरनेटिव प्लॉट देने का फैसला सुनाने के लिए 5 मामले रखे गए। इनमें से एक प्लॉट के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया। ये प्लॉट गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित प्लॉट नंबर 591 है। इस प्लॉट पर इस समय करीब 11 करोड़ रुपए एक्सटेंशन फीस बकाया है। इस प्लॉट के बदले भी अल्टरनेटिव प्लॉट देने का प्रस्ताव था। एचएसवीपी में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस प्लॉट का केस बनकर सीए एचएसवीपी तक पहुंच चुका है। काबिले जिक्र है कि सीए एचएसवीपी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में इस प्लॉट की जगह अल्टरनेटिव प्लॉट देने की मुहर लग जाती तो किसी को कई करोड़ों का फायदा होता, जबकि एचएसवीपी को भारी नुकसान होता। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में किसी राजनीतिज्ञ का हाथ होने की भी उम्मीद है। अब देखना है कि एचएसवीपी विभाग के सीए द्वारा इस प्लॉट को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए पंचकुला से उमंग श्योराण की रिपोर्ट।